भारतीय सेना में नायक के पद पर कार्यरत कुरुक्षेत्र के गांव बारना निवासी अश्विनी कुमार का 27 मार्च को निधन हो गया। उनकी ड्यूटी रायवाला हरिद्वार में थी। अश्विनी कुमार की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अश्विनी कुमार के पार्थिव शरीर को आज उनके पैतृक गाँव लाया गया, जहाँ पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जवान को अंतिम विदाई देने पहुंचे थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में देश सेवा के लिए शहादत देना बहुत बड़ी बात है। उनकी याद हमेशा देशवासियों के दिलों में बनी रहेगी। उन शहीदों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये शहीदों को देना है। उनमें से हमारे बारना गांव के खिलाफ जो अशेष शर्मा जी मजलीन हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे बारना गांव जो बहुत बड़ा गाँव है, इसके अंदर पहले भी 3 शहीद हुए। ये गाँव में शहीदों के माँ बाप को मैं इस बात की प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इन शहीदों को जन्म दिया। शहीद के परिजनों ने कहा कि एक बहादुर सैनिक का इस तरीके से चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। थानेसर के तहसीलदार अभिमन्यु ने कहा कि हमारी संवेदनाएं शहीद के परिवार के साथ हैं और हमें उन्हें नमन करते हैं। उनहार सैनिक वीर सैनिक थे जी। इन्होंने अभी जो चाइना के खिलाफ जो भी चला हुआ था या और भी जो ऑपरेशन हुए, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। ये तो हमारे लिए बहुत सती की बात। बारना गांव में श्री अश्विनी कुमार की अंतिम यात्रा में हम सभी उन्हें नमन करने पहुंचे हैं। उनकी जो है अंतिम विदाई में उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना साथ हैं। वह पूरा देश, वह पूरा कुरुक्षेत्र उन्हें नमन करता है।